संघ में अनुसूचित जाति जनजातियों का कैसा प्रतिनिधित्व और स्थान है? हम संघ में पूछते नहीं। एक बार मैं सरकारीवाद चुना गया, पहली बार हमारे सह सरकारीवाद सुरेश जी सोनी उनकी नियुक्ति हो गई, तो मीडिया ने चलाया कि ये भागवत गुट की विजय हो गई, लेकिन ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना है इसलिए सोनी जी को रखा है। तो मैंने सोनी जी को पूछा कि सोनी जी आप ओबीसी में आते हैं क्या, तो उन्होंने थोड़ा सा स्मितहास्य कर दिया, स्माइल कर दिया और उत्तर नहीं दिया। तो अभी भी मैं सोनी जी कहाँ आते हैं मैं नहीं जानता हूँ। ये संघ में वातावरण है। तो अगर हम इसी ढंग से बढ़ते हैं तो ये परिवर्तन होता है। नागपुर में मैं पढ़ रहा था, विद्यार्थी था उस समय, नागपुर संघ के लगभग सब अधिकारी एक ही जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन मैं नागपुर का प्रचारक बनकर 80 के दशक में जब वापस आया तो जगह जगह जितनी बस्तियां थी उस प्रकार की कार्यकारिणी बनी थी। इसलिए बनी थी कि हमारी शाखाएं बढ़ी, हम उस बस्ती में पहुंचे, हमने काम बढ़ाया, स्वाभाविक उसमें से कार्यकर्ता तैयार हुए, वो आ गए। कोटा सिस्टम करेंगे तो जाति का भान रहेगा, सहज प्रक्रिया से सबको लाएंगे तो फिर जात नहीं रहेगी। सहज प्रक्रिया लाते समय लाने वालों के मन में ये भान रहना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य की अपने जैसे को पकड़ने की होती है, हमको अपने जैसे को नहीं पकड़ना है, सबको पकड़ना है। ये ध्यान रखकर अगर काम चलता है तो ऐसा होता है। 50 के दशक के संघ में आपको ब्राह्मण ही नजर आते थे, आज के संघ में, क्योंकि आप पूछते हैं तो थोड़ा बहुत मैं देखता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि जोन स्तर पर, प्रांत और प्रांत के ऊपर जोन, जोन स्तर पर सभी जातियों के कार्यकर्ता आते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर भी अब एक ही जाति नहीं रही, ये बढ़ता जाएगा। और संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन जिसमें काम करने वालों में सभी जाति वर्गों का समावेश है, ऐसी कार्यकारिणी आपको उस समय दिखने लगेगी। मैंने कहा यात्रा लंबी है लेकिन हम उस ओर आगे बढ़ रहे, ये महत्व की बात है।